बीजेपी ने किया निष्कासित, ना इधर के रहे ना उधर। हरीश रावत को 2016 में जो जख्म दिए, अब हरीश रावत उन जख्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि हमसे का भूल हुई हमको माफी दे दो। अब जो भूल हुई उसकी माफी मांग रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत को हरीश रावत क्या वाकई माफ करने को तैयार नहीं? या फिर माफ तो करेंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करवा के। हरीश रावत एक तीर से चार शिकार एक बार फिर से कर रहे हैं। सियासी नजरिए से अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में माहिर हरीश रावत 2017 में हरक सिंह रावत से की गई अदावत का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने जिस अंदाज में 2016 में सदन के भीतर हरीश रावत की सरकार को घुटनों पर ला दिया था, आज उसी तरह से हरीश रावत भी हरक सिंह रावत की एकड़ी निकालते हुए उन्हें घुटनों पर ला दिया। हरक सिंह रावत के इतिहास को सियासी नजरिए से सियासत में जो बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि हरक सिंह रावत किस तरह की सियासत करते हैं और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स आज शाहरुख खान ने चित कर। हरक सिंह रावत ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब सिर्फ हरीश रावत की हामी का इंतजार है। अब हरीश रावत का दिल हरक सिंह रावत कैसे जीतेंगे? वही हरीश रावत जिन्हें वक्त वक्त पर हरक सिंह रावत ने खूब कोसा, आज उन्हीं के रहमो करम पर हरक सिंह रावत सियासी लड़ाई लड़े। बीजेपी से पहले अलविदा हो चुके हरक सिंह रावत अब कांग्रेस की चौखट पर खड़े, और हरीश रावत उस चौखट पर खड़े होकर उन्हें घूर रहे। अब सवाल यह कि आखिरकार हरीश रावत और हरक सिंह रावत को लेकर यह सियासी पंगा कांग्रेस के घर में कैसे होगा खत्म, और क्या हरक सिंह रावत सुधर गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेसी भी आक्रामक है, हरक सिंह रावत को सब कुछ याद दिला रहे, हरक सिंह रावत आंसू बहा रहे। सियासत में अब ये नया रिश्ता क्या गुल खिलाएगा? क्या वाकई हरक की वापसी हो पाएगी? वापसी तो होगी लेकिन शर्तों के साथ नहीं। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले आज सियासी चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ करवाएं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान जो सियासी गलियारों से आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में हरक सिंह रावत जी का योगदान रहा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कदम कदम पर उनको अपमानित किया। उनको तो TSR-1 यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गधा तक बता दिया था। तो आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, अगर वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो वो उस बात पर कॉन्फर्मेशन लगा रहे हैं जो बात जनता भी कह रही है। अब की बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी उत्तराखंड में। और जहां तक बात है हरक सिंह रावत जी के कांग्रेस पार्टी में आने की, तो वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनको पार्टी में लिया जाएगा या नहीं। लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी जा सकता है, और अपनी पार्टी को, संगठन को और अपने राज्य को मजबूत करने के लिए जो राज्य हित में होगा वही फैसला करेगी हमारा केंद्रीय नेतृत्व। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत जी को यथोचित सम्मान दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, और जब तक वो रहे तमाम छोटे बड़े कार्यक्रमों में, तमाम योजनाओं में उनको उचित सम्मान दिया। और तो और, एक जिस मेडिकल कॉलेज की कोटद्वार में वो वहाँ की जनता के लिए मांग कर रहे थे, हमने उसके लिए जितना भी फंड्स की आवश्यकता थी क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए, हमने
मेडिकल कॉलेज के लिए उनको जो भी आवश्यकताएं थी उसको हमने पूर्ण किया, लेकिन लगातार पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हुए और अनुशासनहीनता की जब एक इंतहा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको न केवल सरकार से बर्खास्त किया वरन पार्टी से 6 साल के निष्कासित भी कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर ही दिया है और उन्होंने कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया और कांग्रेस ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ सुशील त्यागी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ अमनदीप सिंह जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, यूथ ब्रिगेड की कमान इनके हाथ में है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले अमनदीप, मैं जानता हूं कि आपके कद और ओहदे के हिसाब से ये सवाल बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हरीश रावत हरक सिंह रावत को माफ क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जिस प्रकार से 2017 के अंदर जो कारनामे सामने ही है कि जो हुए, अब देखिए सारी की सारी बात और सारा का सारा निष्करण ये सारा आला कमान के हाथ में है, राष्ट्र नेतृत्व के हाथ में है कि किस प्रकार से इस विषय पे कार्य कर रही है और मीटिंग चल रही है और सारी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या इस पे फैसला लिया जाता है और जो आला कमान फैसला करेगा। आला कमान नहीं, हरीश रावत नहीं। देखिए, आला कमान कहना भी जरूरी है ना, क्योंकि आला कमान के हाथ में ही फैसला है। अब सारा फैसला हरीश रावत जी भी नहीं कर सकते हैं सभी का। देखिए, ऐसा होता है कि अगर मेरी, देखिए तिलक जी एक बात सुनिए, अगर किसी परिवार में सभी सदस्य हाँ करेंगे जिस चीज के लिए, उसी चीज को मान्य रखा जाएगा। ये नहीं है कि एक आदमी के कहने से या एक किसी के निष्पक्ष पे। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक, जी जी तिलक, हरीश रावत से क्या सीखे आप, क्या सीखे हरीश रावत? देखिए, ये नहीं, देखिए ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं, मैंने आला कमान कहा तो आपने कहा कि आला कमान नहीं हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी देखिए हमारे पार्टी के उत्तराखंड के सबसे मजबूत स्तंभ है और अच्छी। अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं आपको। राजपुर रोड पर आपका प्रदेश कार्यालय, राजपुर रोड पर आपका प्रदेश कार्यालय और प्रदेश कार्यालय के गेट पर खड़े हैं हरीश रावत। एंट्री चाहिए हरक सिंह रावत को। मैंने उनसे पूछा था तो हरीश रावत जी ने कहा कि ये लक है मेरा, हरक सिंह रावत तब शामिल होंगे जो सबसे पीछे कतार में खड़े होंगे, ये लट तभी हटेगा। कुछ याद आया? जी 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 जी, जी। देखिए, अब आला, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा फिर आप देखिए, आला कमान भी तो कोई ना कोई मायने रखता है ना कहीं ना कहीं। अगर प्रदेश के अंदर सरकार, अगर उत्तराखंड आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं तो प्रदेश में देखिए, प्रदेश का भी हिस्सा है, राष्ट्र नेतृत्व भी उसमें एक हिस्सा है, देवेंद्र यादव जी भी उसका हिस्सा है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा सभी के बातचीत से तो लिया जाएगा। मनोज रावत भी उसका हिस्सा है, प्रदीप टमटा भी उसी का हिस्सा है। सर, बहुत सारे किरदार हैं, एक एक किरदार का नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। और कभी उस किरदार के किरदार कई थे, रणजीत रावत भी उसके किरदार थे। सर, सीधा सीधा बताइए ना, आप लोग खुश हैं हरक सिंह रावत के आने से? नहीं, देखिए अब खुश और ना खुश वाली तो बात बहुत दूर की है, अभी फिलहाल फैसला आने दीजिए, उसके बाद ही इस बात पे, इस विषय पे मैं जवाब दे पाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, आ जाएंगे तो हम खुश हैं, नहीं आएंगे तो हम तो वही हैं विशाल सनम। खैर, सुशील त्यागी जी, जी मान गए ना हरीश रावत को कि नहीं? अमनदीप तो नहीं माने, मैं तो समझा रहा हूँ इनको, सीख लो कुछ। अभी ये मान ही नहीं रहे, कह रहे हरीश रावत तो होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए सुशील त्यागी, मान गए ना, एक तीर से 4 शिकार कैसे करते हैं? सही वक्त का इंतजार, मौके पर चौका, ना इधर के रहे ना उधर के बिसारे। सर, देखिए तिलक जी, ये कांग्रेस का
अपना एक मैटर है कि वो कांग्रेस का ही हरक सिंह रावत कांग्रेस में ही तो एंट्री करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अब आपसे कोई लेना देना नहीं उनका? नहीं, हमारा क्या लेना था, हमने तो निष्कासित कर दिया। अच्छा, पहले था? पहले वो सरकार के काबीना मंत्री थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीजें उन्होंने रखी, हमने उनके जब वो मिनिस्टर थे विभाग में वृद्धि की, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए धन आवंटन हो, उसका धन का व्यवस्था की। लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स हरक सिंह रावत करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के दायरे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति की बात को सुनती है और एक सीमा में जाकर उसको सोल्व करने का प्रयास करती है। लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग करने जी, आपने इतना रुलाया हरक सिंह रावत को, आपने कभी देखा हरक सिंह रावत को इतना रोते हुए? आपने कभी देखा इतने बेबस, इतने मजबूर हो गए हों? आपने देखा कभी? आपने देखा कभी इन 20-22 सालों में जूते की नोक पर रखते थे मंत्रालय को, जूते की नोक पर? जी जी, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया आपने हरक सिंह रावत को इतना क्यों रुलाया? देखो तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब कल्याण सिंह जी को ये भ्रम हो गया कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा व्यक्ति हूं, आपको याद होगा कि कल्याण सिंह जी को भी बाहर किया गया था, उमा भारती जी को भी जब यह एहसास हुआ अनुशासन के लिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को कहाँ किसके साथ तुलना कर रहे हो? मैं इसलिए देखिए ना, तो होंगे जूते की नोक पे धारी देवी की कसम मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कम से कम कल्याण सिंह का कद सर थोड़ा कद के साथ न्याय करिए, न्याय। मैं कह रहे हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, हमने बर्दाश्त नहीं किया हरक सिंह रावत को, 4.5 साल बर्दाश्त को, 4.5 साल के बाद हमने बर्दाश्त नहीं, नहीं, उनकी जो ब्लैकमेलिंग की नीति थी, जब हमने पार्टी ने यह तय किया कि एक परिवार एक उम्मीदवार। अच्छा, वो ब्लैकमेलर है, ओके, मैं समझ गया। अब मुझे ये बताइए कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत माफ कर देंगे लगता है आपको? अब वो हरीश रावत जाने, अमनदीप जी जाने, अमनदीप जी को अभी तो कुछ पता ही नहीं है, उनको क्या मालूम दिल्ली में क्या चल रहा है। तिलक जी, हरीश रावत जी ने कहा कि हरक सिंह रावत को माफी मांगनी होगी। हरक सिंह रावत ने कल आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगता हूं। उन्होंने माफी भी मांग ली तो कर दे उनकी शर्तें पूरी। कांग्रेस की स्थिति, हरक सिंह रावत जिस दिन एंट्री करेंगे क्या होने वाली है यह आपको पता है? बहुगुणा जी ने कहा है कि जो स्थिति 2017 में थी आज भी वही स्थिति है। अब वो हरक सिंह जाना है, हरीश रावत जाना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बहरा उनसे कोई लेना देना नहीं, हरीश रावत जाने, हरक सिंह रावत जाने और अमनदीप जी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो ब्लैकमेलर है अमनदीप जी। हिमांशु पंडित, देखिए जो हमारे सुशील जी बात कर रहे हैं कि हरक सिंह जी जाने, अमनदीप जी जाने, हरीश रावत जी जाने और कांग्रेस पार्टी जाने, तो इसका मतलब आपसे देखिए आना और जाने की स्थिति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भाजपा सरकार से मतलब ही तो कोई रहा ही नहीं फिर, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि 2017 में जिस प्रकार से अपनी सरकार बनाने के लिए आप हमारे विधायकों को हमसे लेके गए थे, तो तब आप लोग कहाँ थे? और तब अभी 4-4.5 साल से, और ये जो हॉस्पिटल की बात सुशील जी कर रहे हैं, ये तब आप लोगों ने पास किया उनका जो वहां पे लगना था सिस्टम, जब उन्होंने आपको धमकी दी कि मैं इस पद से हट जाऊंगा, जब मैं इस्तीफा दे दूंगा, तब जाके आप लोग अपनी मंत्रियों की बात सुन रहे थे और तब जाके आपने हरक जी की बात पे गौर किया, उससे पहले तो कोई गौर नहीं किया। और शायद ये उनका बयान भूल गए हैं कि हरक सिंह रावत जी ने खुद ही बयान दिया कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 5 साल के अंदर मुझे एक हॉस्पिटल तक बनाने नहीं दिया। तो ये जो आज हमें बैठ के ज्ञान दे रहे हैं सुशील जी कि हमारा इतिहास पढ़िए, हम जनता की सुनते हैं, अरे आप अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, आप जनता की कहां से सुनेंगे साहब? आपने अपनी मंत्रियों की तब, अगर मैं हरक जी की बात कर लूं, हरक सिंह रावत जी की बात करूं, आपने तब सुनी
जब उन्होंने कहा कि मैं इस पे इस्तीफा दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तब जाके तो आपने उनका हॉस्पिटल का, एक ही हॉस्पिटल का वो उन्होंने नाम लिया और उस पे आपने वो पारित किया उस चीज को। अच्छा, अगर हरक सिंह रावत जी की बात छोड़ दी जाए तो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक लेटर जारी हुआ है, शायद सुशील त्यागी जी ने पढ़ लिया होगा, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं सरकार को बनाने में कार्य करूंगा लेकिन मुझे टिकट ना दी जाए डोईवाला विधानसभा से। तो आप उस पे क्या कहेंगे? अब आप ये भी, अब उसमें भी यही कह दीजिए क्यों हम वो आला कमान जाने और वो लोग जाने, हमें नहीं पता। अमनदीप जी, आप सुन लीजिए, अपनी बात रखिए, फिर हिमांशु जी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, बोलिए। तिलक जी, मैं जल्दी से वीर जी को ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो हरक सिंह रावत का, उन्होंने बताया कि वो लट लेकर कार्यालय पे खड़े हैं और हरक सिंह रावत बाहर हैं। उन्होंने जो विषय उठाया मेडिकल कॉलेज का, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मान लिया। हरीश रावत ने मान लिया तिलक जी, सुनिए भाई, सुशील जी कैसे मान लिया ये बताइए, आपका जो टाइम कैसे मान लिया ये बताइए प्लीज, नहीं ये बता दीजिए, सुनिए कह दीजिए कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं 100 बार माफी मांगता हूँ, 100 बार माफी मांगने के बावजूद भी हरीश रावत क्यों नहीं ले रहे हरक सिंह को? उन्होंने कहा हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे 100 बार, 1 बार नहीं माफी मांगता हूँ, आप बताइए ना क्यों नहीं ले रहे, बताइए। अब आप देखिए, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जब हरक सिंह रावत जी ने वहां पे विधानसभा में खड़े होकर बोला कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, तब जाके आला कमान ने, आपकी बीजेपी सरकार ने उस हॉस्पिटल को पारित किया, और पारित भी कब किया, जब शासन ये आपका जब अभी चुनाव थे पास में। अरे आप अभी भी वो बात नहीं बता रहे हैं, आप वो बताइए न्यूज चैनल पे कि तब हमने पारित किया जब आपको वहां से उन्होंने बोला कि मैं इस पे इस्तीफा दे दूंगा, वरना आप अगर आपने ये हॉस्पिटल के लिए चीजें नहीं की तो आप बातें घुमा रहे हैं। अमनदीप, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए हो रहा था, मेडिकल कॉलेज के लिए, हाँ जी हाँ जी, मेडिकल कॉलेज के लिए हो रहा था सब कुछ, मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए सब कुछ ड्रामा हो रहा था तिलक जी, बात मेडिकल कॉलेज के ड्रामे की नहीं है। अभी जैसे सुशील जी ने कहा कि कांग्रेस जाने ये जाने, तो आपसे सर जब 2017 के अंदर आप बता रहे, ये जो मेडिकल कॉलेज का ड्रामा है ना, ये कांग्रेस के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, वो 4 दीवारी बनी थी, 4 दीवारी का खेल होता है अभी, आप देखिएगा अभी आगे होता है क्या। ओके, हिमांशु पुंडीर, आपको क्या लगता है हिमांशु जी कि हरीश रावत हरक सिंह रावत को माफ क्यों नहीं करते, या माफ करेंगे लेकिन घुटनों पर लाते, क्या लगता है? देखिए पूरे देश ने देखा है, पूरे राज्य ने देखा है किस तरह इन्हें हरीश रावत जी को इन्होंने ब्लैकमेल करा, और 2017 में इन्होंने इनकी सरकार गिराई और बागी बन गई और बागी विधायकों को भी ले गए। अब आए तो ये अकेले हैं, अब जहां तक हमें लगता है कि सरकार इन पर दबाव बना रही है कि आप गए तो 9 विधायक लेके गए थे, अब आप आ रहे अकेले हैं तो आपको बागी विधायकों को भी लाना पड़ेगा जिस तरह आप गए थे। दूसरा, हरक सिंह रावत जी के बारे में सभी को पता है, वो किसी भी दल के नहीं है, वो जहां उन्हें मलाई दिखेगी वो मलाई के लिए उसी दल की तरफ दौड़ेंगे, चाहे उन्हें भाजपा से अपनी बहू के लिए उन्होंने वहां से टिकट लेंसडाउन से, और क्या कहते हैं अपने लिए भी टिकट मांगा, और उन्हें जब दोनों जगह से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पे भी बागी रुख अपनाया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है, और अब वो कहीं के नहीं रहे तो अब वो दोनों पार्टी की तरफ देख रहे हैं, कोई तो मुझे ले ले। नहीं नहीं हिमांशु जी, वो तो ठीक है, वो उनके घर का मसला है। अमनदीप जी नाराज हो जाते हैं हरक सिंह रावत के बारे में, आप कुछ बोलिए, वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है मान लो आपके नेता है, मिल जी ने कहा आपके नेता है, लेकिन हिमांशु अपना दल बदलते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, हमने कल्याण सिंह को भी बता दिया था और हमने उमा भारती को भी बता दिया था, हम इंतजार नहीं करते, जो पार्टी लाइन से हटा उसे हटा देते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, हमने ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करने का,
मैं बड़े भाई अपने त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जो उत्तराखंड को गाली देता है, जो व्यक्ति जो खुलेआम सरेआम हथियार लहराता फिरता है, ऐसे गुंडों को इन्होंने पार्टी में क्यों रखा हुआ है? उन्हें उन्हें पार्टी में लेने की क्या जरूरत पड़ी जब उन्हें निष्कासित कर दिया था? कौन गाली देता है? अभी तो सिर्फ चीने ये चैंपियन, कौन चैंपियन? विवादों के चैंपियन, प्रणव चैंपियन। अच्छा जी अच्छा जी 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 विवाद त्यागी जी प्लीज, विवाद त्यागी जी वो कह रहे हैं कि अब ये जब ये सारे रिश्तेदार हैं तो सब रिश्तेदारों को बाहर निकालो, एक को क्यों निकालती है? सारी ब्लैकमेलर है, मानसू जी कह रहे हैं। देखिए देखिए अब भाजपा को भी लगता है कि अब पार्टी तो उन्हें सरकार बनाना तो वो भी चाहती है, उन्हें पता है ये जिताऊ कैंडिडेट है, अगर आप इन्हें निकाल देंगे तो इन्हें लगता है कि इनकी और इन्हीं कांग्रेस के विधायकों को लेके इन्होंने सरकार बनाई है, वरना भाजपा के अंदर इतना कहां दम था कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। और 2017 में भी मोदी लहर में वोट पड़े, जितने भी वोट पड़े हैं, और इस बार भी ये राष्ट्रवाद पे और मोदी लहर पे वोट मांगने निकले हैं। कोई भी विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने को तैयार नहीं है कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के तब वो वोट मांगे। ओके सुशील त्यागी जी ये कह रहे हैं कि सारे ब्लैकमेलर होंगे ना, एक ब्लैकमेलर थोड़ी ना होगा, और पता नहीं चैंपियन जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, कितने सज्जन आदमी है, कितने मधुर आदमी है। पुंडीर जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। पुंडीर जी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं देश के लोकप्रिय नेता हैं, तो हम अपने नेता के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे तो क्या केजरीवाल के नाम पे वोट मांगेंगे? भाई आप मुझे बताइए। दूसरी बात, रिपोर्ट कार्ड की बात है, आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है। आप बता रहे हैं आप तो चुनाव लड़ने वाले हैं ना उत्तराखंड में, अभी 2022 में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं आपको पता चलेगा। बात आज की डिबेट तिलक जी ने पूछता है उत्तराखंड में रखी है कि हरीश रावत कांग्रेस के कार्यालय पे खड़े हैं लट लेकर, हरक सिंह रावत बाहर खड़े हैं, और हरीश रावत ने कहा था कि वो माफी मांग लें। अब हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांग ली। तो अमनदीप जी विषय ये है कि उनकी एंट्री क्यों नहीं हो रही, आप टिकट दे दीजिए ना दो उनको। इतनी चिंता है आपको सुशील जी? अमनदीप जी बहुत चिंता कर रहे हैं सुशील त्यागी जी, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं हरक सिंह रावत की एंट्री कर लेते, क्यों दिक्कत आ रही है, समस्या पूछ रहे हैं, कह रहे बता दो। सुशील जी को इस सारी चीजों का जब देखिए आला कमान, मैं आप दोबारा यही चीज बोलूंगा, जब तक वो फैसला नहीं लेते हैं किसी चीज पे तो तब तक कुछ नहीं। फिर आला कमान जी बिल्कुल, मैं तो देखिए एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो मेरे पास है जो मैं कह रहा हूँ आला कमान, बस हरीश रावत जी आला कमान मानेगा तो वो आएंगे, स्वागत है। अमनदीप जी क्या हरीश रावत अलाकमान नहीं है? अगर वो अलाकमान नहीं है तो आपके प्रधान एक बात तो आप मेरी मेरी बात सुनिए, हरीश रावत जी जो है वो मैं मानता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, वो बड़े नेता है और पूरी ऐसा नहीं, आपने जो बोला अलाकमान नहीं है तो ये ऐसा नहीं है, अलाकमान है, लेकिन उनसे ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व भी तो है जो दिल्ली में बैठ के इन चीजों को देख रहा है। अगर अभी हिमांशु पुंडीर जी की बात करूं तो हिमांशु पुंडीर जी ने ये क्या कह दिया आपके आगे कि आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आपके नेता जमीनी स्तर पे नहीं उतर रहे हैं, तो आप हमें यहाँ बताने बैठ गए कि जी तिलक जी ने ये पूछा है, पूछता है उत्तराखंड, और वो आप हमें ये बताइए। देखिए सुशील जी, तिलक जी है न्यूज वर्ल्ड पे एंकर के तौर पे, आप अपनी चीजों को बताइए, आपने क्या किया है और आप किस मायने पे 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो बताइए। और ये जो ये हरक सिंह रावत जी को लेने की बात है तो ये अब देखिए हरीश रावत जी और हरीश रावत जी का जो सेटअप और आला कमान जो इस चीज पर निर्णय लेता है वो सबको पारित होगा, सब उसको मानेंगे। अमनदीप जी गुस्सा नहीं, मैं बताऊंगा मैं कार्यक्रम क्यों करूं, गुस्सा नहीं, अभी मैंने कहा नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं, हरक सिंह रावत एक सेकंड और हरीश रावत से भी रुकिए एक सेकंड सचिन त्यागी जी, अब जो हिमांशु जी ने सवाल उठाया था वो सवाल आपने गायब कर दिया, आपने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, इनके साथ और भी तो फिर ब्लैकमेलर होंगे, उनको क्यों रखा हुआ है साथ? हिमांशु जी जो बात करें उनका इशारा वहां बंदूक वालों की तरफ भी है। तिलक जी क्या है कि जो विषय अभी पुंडीर साहब ने उठाया, मर्यादाओं को लांघने वाला हर व्यक्ति
जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के दायरे में सब चीजों को उन्होंने जो कृत्य किया था उसके लिए उन्होंने लिखित में पार्टी से मांगी, माफी भी मांगी। किसने? और सोकोज नोटिस देने के बाद आप ही के चैनल पर वो पत्र जारी हुआ था कि मैं जिनका ये पुंडीर साहब नाम ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको नाम लेने में क्या नहीं, हम तो नाम लेने में दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम लीजिए ना, बूथ का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, मर्यादाएं लांघने वाला हर व्यक्ति कौन था पार्टी की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। कौन था सर, नाम तो बता दीजिए। नहीं कोई भी व्यक्ति हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए मर्यादाएं लांघने का काम जब हरक सिंह रावत को बताया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय, लेकिन उस विधायक का नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप, डर लग रहा है आपको? मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन तिलक जी सुनिए, उन्हें कहा कि भाई पार्टी ने एक तय चीज की है कि एक परिवार एक उम्मीदवार, हम एक टिकट देंगे आपको। वो प्रेशर पॉलिटिक्स के नाम पर, जिनका नाम नहीं ले रहे उनके घर से भी एक टिकट के दावेदार है। एक ही टिकट मिलेगा साहब, एक ही टिकट देंगे, ये क्लियर कर दिया प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने। वो रुकने वालों में से नहीं है, अब वो रुके या रहे या जाएं, लेकिन पार्टी की नीति और सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति को एक परिवार को एक टिकट देंगे, उनको भी मिलेगा एक ही, ये पार्टी का निर्णय होगा जी। वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, अब वो कैसे करके दिखाएं वो अलग विषय है। हाँ, लेकिन पार्टी के सिद्धांत पर चलना ही होगा, और पार्टी नियम कायदे कानून से चलती है, यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं कि कांग्रेस के प्रभारी इलाकमान को मगरमच्छ बता दिया था। आप ही के चैनल पर आपने एक विषय लिया था, मैं था उस डिबेट में, देवेंद्र यादव को मगरमच्छ बताया था हरीश रावत ने, तो कहाँ इलाकमान अमनदीप जी? अगर आप उस डिबेट में थे ना तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये मगरमच्छ उन्होंने किसको और क्यों कहा था। उससे दो दिन पहले फिर मीटिंग हुई थी, दो दिन पहले फिर कह रहा हूँ मीटिंग हुई थी, और उसमें तीन आपके विधायक मौजूद थे, आपके तीन नेता मौजूद थे उस मीटिंग में जो दिल्ली में हुई थी, और हरीश रावत जी को भनक लग गई थी तब उन्होंने मगरमच्छ वाला ट्वीट किया था। अब फिर कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ आपको। लेकिन खैर अमनदीप जी, अब मैं बताता हूँ मेरी चिंता क्या है। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको हरीश रावत जी से भी सीखना चाहिए, हरक सिंह रावत जी से भी सीखना चाहिए राजनीति होती क्या है। दरअसल मसला यहां पर है क्या, मैं बताता हूं हिमांशु भाई। अब आके आप कथनी और करनी की परीक्षा कैसे, आप कह रहे हो ना कि हरीश रावत नहीं आला कमान तय करेगा अमनदीप। मैं बताता हूं कि कथनी और करनी की परीक्षा किसे कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले, ये मैंने नहीं कहा था, 2016 में आप जिन्हें आला कमान नहीं मानते अपना, वो हरीश रावत जी के शब्द थे कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले। अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों को सिर्फ आप एक माफी में माफ कर देंगे, सिर्फ जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की आप उन्हें एक माफी मांगने के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम अपने घर कांग्रेस में एंट्री दे देंगे। सवाल ये है, आपकी कथनी और करनी की परीक्षा है अमनदीप जी, कथनी और करनी की, आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कथनी और करनी की परीक्षा है। अब अगर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि आप सीखिए। देखिए आला कमान है, ठीक है, हमने अगर अब हरक सिंह रावत जी की अगर बात की जाती है तो 2017 के अंदर उन्होंने बहुत गलत किया कि जिस प्रकार से उनको लगा कि वो बीजेपी में इतने विधायक लेके अपने अपने आप को भी बागी हो गए कांग्रेस से और सरकार गिरा दी गई, तो ये तो चीजें हैं और हम खुद मानते हैं इन चीजों को। आज वो बोल रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ, तो आप देखिए बात बिल्कुल सही है कि 100 बार माफी मांगने से वो पुरानी चीजें वापस तो आ जाने से रही, तो यहाँ से तो साफ तौर पर यह भी साफ होता है कि जिस तरफ की लहर चल रही है उस तरफ को हरक सिंह रावत जी का रुख हो रहा है, तो ये भी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए, अब जब इस चीज पे फैसला लिया जाएगा तब देखा जाएगा क्या इस पे वो करें क्या। अब मैं अपनी तरफ से क्या बोलूं इस चीज पे, क्योंकि देखिए साफ तौर पे जो चीज ऊपर से है या जो चीज हरीश रावत जी के हाथ में है, उनके
देखिए किया तो उन्हीं के साथ गलत, पूरी सरकार गिरा दी गई, सबको धोखा दिया गया, बहुत चीजें हैं। अब जो भी चीजें फाइनलाइजेशन होंगी वो सबके सामने ही होंगी। हिमांशु जी, जी सरकार, सुना आपने अमनदीप जी कह रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ये तो क्या करेंगे, तो हरीश रावत तय करेंगे। और हरीश रावत तय कैसे करेंगे, प्रदीप चमटा जी, इस बार हरीश रावत को प्रदीप चमटा विधानसभा के अंदर लेके जाना चाहिए। हेलो जी, बोलिए हिमांशु जी। इस बार जनता को तय करना चाहिए किन विधायकों को, किन नेताओं को इन्हें विधानसभा के अंदर ले जाना चाहिए। ये नेता लोग किसी के नहीं है, ये नेता लोग सिर्फ अपने मौका पर लोग हैं, जहां इन्हें मौका मिला, ना ये कांग्रेस के हुए, ना ये बीजेपी के, ना ये जनता के। इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, दोनों पार्टियों में रह गए, दोनों पार्टियों में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट पद की लालसा के चक्कर में, और जहां से इन्हें अपना फायदा नजर आया है, दोनों सभी नेता। हिमांशु जी, आपने हरक सिंह रावत के रोते हुए तस्वीरें नहीं देखी क्या? देखे कितना पश्चाताप है उनकी आंखों में। सर ये आंसू 2017 में जनता ने देखे थे, ये आंसू 2017 में भी जनता ने देखे थे, किस तरह हरक सिंह रावत जी ने अपने उस टाइम रोते हुए इनके वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाई दिए, और उसी तरह के वीडियो इस बार भी हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। और अब जनता समझ चुकी है ये घड़ियालू आंसू है, अपने मतलब के लिए आंसू निकलते हैं। ये और जब जनता लग रहे हैं जब जन... जी मुझे क्या पूरा उत्तराखंड को पता है, आपको भी पता है। आपके नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं माजू जी, कह रहे मगरमच्छ के आंसू है उनके। अमनदीप जी, जी आपके नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं हिमांशु जी, कह रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू है। कौन से नेता के बारे में? आपके नेता हरक सिंह रावत जी के बारे में। आप मेरे नेता क्यों बना रहे हैं उन्हें साहब, आप मेरे नेता क्यों बना रहे हैं? वो आपके, अच्छा आपके नहीं याद, ओके नहीं मेरे कहां से, एक बात बताइए आप बात बात पे ये कह रहे हैं कि अमनदीप के नेता है, अमनदीप जी उन्होंने, मेरे नेता कहां से हो गए ये बताइए। वो तो सुशील जी के नेता है जिन्होंने कैबिनेट में उनको पद दे रखा था। अब तो त्यागी जी का नेटवर्क भी चले गया, त्यागी जी ने तो डिबेट भी छोड़ दी, कह रहे नेटवर्क खत्म हो गया क्योंकि उनपे सवाल उठ रहे थे उनके कार्यों को लेके, इसलिए वो चले गए। और मेरे को तो अभी अगर सुशील जी होता तो सुशील जी से पूछता कि क्या प्रणव चैंपियन ने लांगा अपनी चीजों को, लांगा नहीं था क्या उत्तराखंड के बारे में इतना बुरा बुरा बोल के। ना ना ना, नाम नहीं लेते, ऐसे नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते साहब, हम डरते नहीं है किसी से, हम नहीं डरते किसी से। त्यागी जी डरते होंगे अपने विधायकों से, अपनी चीजों से, लेकिन हम नहीं डरते। क्यों हम क्यों डरे किसी चीज को लेके, ये बताइए आप। वापिस आ गए फिर क्या करोगे जी, वापिस आ गए फिर क्या करोगे अमनदीप जी? नहीं ऐसा नहीं, देखिए वापिस और ये चीजें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो बात उन्होंने कही अगर वो डिबेट में होते शायद उनके नेटवर्क वापस आ जाएंगे। वो हिमांशु भाई ने क्या उनके कार्यों पे क्या टिप्पणी कर दी तो उनके नेटवर्क चले गए, ऐसे लग रहा है मुझे। तो, अगर उनके तो नेटवर्क वापस आते हैं तो मैं भी पूछता हूँ उनसे कि वो क्या हरक सिंह जी पहले ये बताओ, पूछेंगे प्रणव सिंह चैंपियन कल को वापस आ गए फिर, और आपकी क्लिप दिखा दी किसी ने उनको फिर? अरे साहब मैं तो कह रहा हूँ दिखा दीजिए, और आने जाने का सिलसिला तो बहुत दूर का है उनका, किस प्रकार जो उन्होंने उत्तराखंड की जनता के बारे में, उत्तराखंड के बारे में बोला, आज भी भाजपा सरकार उनको लेके बैठी हुई है। उस उनको वो अभी सुशील जी ने कहा कि लिखित रूप में माफी मांग ली गई, तो क्या ऐसे मतलब ये चीजें चलेंगी कि कोई भी बोल देगा और उसको लिखित रूप में माफी मांग लेंगे तो भाजपा सरकार वाले बिठा के रख लेंगे? और आज ये लोग बयान, हरक सिंह रावत को छोड़ के किसी को वापिस नहीं लोगे वापिस, ये कह रहे हो आप? नहीं देखिए मैं अब फिर वही बात, आप मेरे पे बात ले आते हैं कि मैं कह रहा हूँ, मैंने मेरे हाथ में है क्या लाना और उनको लेना और उनको रखना? तो मतलब मैं वही तो पूछ रहा था, ये मैंने आपका भी बोला, आपने बोला कि वापस आ जाएं, वापस लेने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो अभी सुशील जी ने बात करी, जिस विषय पे उन्होंने बात करी, उस चीज का मैं उनको जवाब, उनसे सवाल लेना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोगों को उनको पार्टी में बिठा रखा है जो जनता के, प्रदेश उत्तराखंड के, मतलब प्रदेश उत्तराखंड की जनता जी ब्लैकमेलर,
कह रहे हरक सिंह रावत ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ब्लैकमेलर बोल रहे थे हरक सिंह रावत। बिल्कुल देखिए, अगर उनको अब उनको लगा कर रहे होंगे, अब हमें तो देखिए, अगर अब मैं कुछ बोल दूंगा तो आप कहेंगे कि नेता है आपके, तो मेरे नेता नहीं है वो, मैं पहले बता दूंगा आपको। तो अच्छा, अगर देखिए वो पार्टी जी बोलिए ना मंदीप जी, बोलिए बोलिए। अच्छा मैं कंटिन्यू, मैंने सोचा आप कुछ पूछने वाले। देखिए जो 4.5 साल से ये 2017 में जब ये चीजें हुई वो हमें भी पता है, और हम जानते हैं कि किस प्रकार से तब विधायक बागी हो गए थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। ये है और लोकतंत्र की हत्या, आपने बिल्कुल सही कहा था, लोकतंत्र की हत्या है। और आप देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं सभी के द्वारा, तो उसी पे जो फैसला आएगा और वो सबको मंजूर होगा। अब वो चीजें हैं, अब अगर अब त्यागी जी वापस आते हैं ऑनलाइन तो हम पूछते हैं इनसे कि क्या क्या चीजें, उनका तो नेटवर्क ही चले गया उनके कार्यों के बारे में। और ये अक्सर होता है, मैं इतने डिबेट्स में जाता हूँ, ये अक्सर होता है कि जब भाजपा सरकार के कार्यशैली पे बात आती है तब इनके नेटवर्क चले जाते हैं, तब इन पर नेटवर्क नहीं आते हैं और ये तब ये लोग अपनी डिबेट छोड़ के चले जाते हैं। ये अक्सर है, ये नया नहीं है, ये अक्सर होता है। आम आदमी पार्टी वालों को तो वाईफाई फ्री मिलता है। ओके हिमांशु जी, आपको लगता है कि हरक सिंह रावत के साथ और भी नेता आएंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे किसी को, मतलब जो इनकी बातों से मुझे समझ में आया। देखिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं हरक सिंह रावत जी के साथ 2 से 4 नेता आने की, कुछ हमने भी बात सुनी है कि 2 हरक सिंह रावत जी 2 से 4 नेता और उन्हें लाने के लिए क्या गए आपकी वापसी तब भी होगी। हिमांशु जी आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। हिमांशु प्लीज, जितने लेके गए थे उतने आधे तो वापस लेके आओ। अच्छा अच्छा, आधे वापस लेकर आओ जितने ले गए थे। ओके हिमांशु जी आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ दोबारा से। अमनदीप जी तो अब जो स्थिति बनी है, अब सवाल ये खड़ा होता है अभी हरक सिंह रावत आएंगे नहीं आएंगे, हरक सिंह रावत कब आएंगे, कांग्रेस में कैसे एंट्री होगी, हरीश रावत मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। अब मैं एक और विषय पर सवाल उठा रहा हूँ हिमांशु जी, आपका आपके दिक्कत आ रही है, सिग्नल में दिक्कत आ रही है, हिमांशु जी कनेक्ट करवा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला यहाँ पर उत्तराखंडियत, जिसका जिक्र हरीश रावत करते हैं ना उत्तराखंडियत का, अब मसला उत्तराखंडियत की रक्षा का है, उत्तराखंडियत की रक्षा का मसला है। यहां मसला कांग्रेस से भी ऊपर हो गया। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा और नेता ही एग्जाम्पल सेट करता है जी। जो एग्जाम्पल आज हरीश रावत सेट करेंगे, कल को 20 साल की राजनीति के बाद अमनदीप जी उस एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को साथ लेकर भविष्य में चलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं अमनदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। आप इतिहास के पन्नों को पलट के कांग्रेस ही के होंगे तो बताएंगे कि हमारे नेता ने तब ये किया था, अब मैं ये कर रहा हूं जी। आज उत्तराखंडियत की बात है, उत्तराखंडियत की रक्षा कौन करेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तराखंडियत की बात है, उत्तराखंड की रक्षा की बात है। और अब देखते हैं कि मैं अभी देखिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए अगर हरीश रावत जी को इतनी जल्दी हरक सिंह रावत को लेना होता तो वो तो उनके पहले फोन कॉल पे ही मान जाते। अब हरक सिंह रावत खुद बयान दे रहे हैं और खुद चीजें कर रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ, मेरे से गलती हो गई, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी और ऐसा हो गया। ये चीजें अब हरक सिंह रावत को याद आ रही है, जब उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया और कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं तो कांग्रेस उनको ज्यादा वो चीज वैसा एक सिस्टम नहीं दे पा रही है कि उनको नहीं ज्यादा वो कर रही है। तो ये चीजें तो देखिए ये है और अब देखते हैं कि आगे क्या निर्णय अब हरीश रावत जी द्वारा लिया जाता है एवं आला कमान राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी जी द्वारा लिया जाता है, अब वो चीजें देखनी है। लेकिन अभी तक देखिए कोई फाइनलाइजेशन दिल्ली से भी नहीं हुआ है और ना ही कोई हमें अभी तक कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई। अमनदीप जी आप भी छात्र राजनीति से हैं जी जी, और छात्र राजनीति का एक उदाहरण बताता हूँ। आपने कहा ना एक
जोड़ लीजिएगा, कॉलेज में जब आपस में कुछ पक्षों में झगड़ा हो जाता है, होता है कॉलेज में जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब कुछ आपके साथ होते हैं कुछ विरोध के होते हैं, कहते हैं कि दिक्कत मत कर मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत ले मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात अमन दीदी? चल तो सही मैं तेरे साथ हूं, और जब जैसे ही पहुंचोगे पीछे देखोगे कोई नहीं है, कोई नहीं है, समझे? यही हरक सिंह रावत को हो सकता है किसी ने कहा हो, टेंशन मत लो आ जाओ, टेंशन मत लो सब हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बैठे हैं ना, और फिर जब टेंशन नहीं ली उन्होंने और पहुंच गए, जिन्होंने कहा था कि टेंशन मत लेना वो पीछे है ही नहीं, नहीं अब है, अब अगर ये नहीं, ये वाली जो बात आपने तिलक जी कही कि जो आपने छात्र राजनीति की बात बताई, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये होता है, तो हो सकता है ये किसी और विपक्ष ने भी ऐसी चीज कही हो कि आप जाओ हम पीछे खड़े हैं टेंशन मत लो, लेकिन जब अरग जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां से निष्कासित पत्र जारी कर दिया गया, ऐसा तो देखिए वहां भी हो सकता है, ये सारी जगह सेट होता है, जिन्होंने बुलाया हो उन्होंने ही लठ गाड़ दिया, जिन्होंने बुलाया हो उन्होंने ही लठ गाड़ दिया, ये भी होता है। खैर अमनदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब ये कथनी और करनी की परीक्षा है हरीश रावत के सामने भी, क्योंकि उत्तराखंडियत की रक्षा कौन करेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, और साथ ही साथ सुशील त्यागी जी नेटवर्क में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए दोबारा, और साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत है जहां पर हरीश रावत ने एक तीर से फिलहाल चार शिकार किए, एक तो बीजेपी को झटका दिया, दूसरा हरक सिंह रावत से हिसाब किताब चुकता किया, और तीसरा अपने ही घर के विरोधी खेमे को संदेश दे दिया कि हरदा का मतलब क्या है। लेकिन क्या हरक सिंह रावत की एंट्री, हरीश रावत की हरी झंडी अब कुछ ही वक्त के बाद मिलने वाली है, अभी देखिए पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये अभी ट्रेलर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।